छोड़ दे उसे, मैं तेरी शादी उससे भी अच्छे लड़के से कराऊंगा और भी धूमधाम से कराऊंगा। बहुत सही। अगर ये शादी नहीं बिगड़नी मुझे वो भी मंजूर है, याद रखना ये सब अगर तेरे साथ नहीं भी है तेरा बाप। अर्थात जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवी और देवताओं का वास होता है। पर अफसोस हमारे भारत देश में क्या सच में ऐसा हो रहा है? आज 21वीं सदी की भी महिला अपने हकों के लिए आज भी चीख रही है, लड़खड़ा रही है, उसके कदम आप तक पहुँच नहीं रही, उसकी चीखें आपके कानों तक सुनाई नहीं दे रही। आज भी क्यों आखिर आप सब बहरे, अंधे और गूंगे हैं? बने हैं जितने दिव्य पुरुष, स्रोत प्रेरणा नारी है, पर बना दिया बला जुल्मों में फिरती मारी मारी। बहुत बढ़िया। माना कम से घिरे हम, माना शमशान में खड़े हम, माना जज्बात बह रहे हैं आंखों से, माना लब थरथरा रहे हैं, पर हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हम एक सैलाब अभी बाकी है, हम उठेंगे आवाज उठे, हमें अभी एक जान बाकी है, हमें अभी एक जान बाकी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। This is Team Adam from Lucknow University presenting the topic हक है मेरा, औरतों के प्रति उन हकों को दिखाना जो कि शायद आप सब सामाजिक मानते भी नहीं। हर एक जुर्म सामाजिक है, ना होती है, चाहे वो चार दीवारी में हो या खुले आसमान के नीचे। ऊपर वाला यार अभी तो कितने भी पता चल रहा है।